इसलिए कि पूरा भारत जानता है कि बहुत शरीफ आदमी का नाम बलियावी नहीं है। यूं अगर किसी मरीज ने कहा मुझे हार्ट में दर्द है तो डॉक्टर तुरंत दवा नहीं लिखता बल्कि कहता है पहले जाओ इको कराओ, ईसीजी कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ। जब रिपोर्टें देख लेता तब उसके बाद वो लिखता है कि इस मरीज को कुछ दिनों तक जिंदा रखने के लिए ब्लड पतला करने की जरूरत है या जो ब्लॉकेज है वहां स्टेन डालने की जरूरत है या जहां नसें बिल्कुल मुड़ चुकी हैं उसके ऑपरेशन की जरूरत है। मेरे उलमाए इकराम ने पहले बहुत कायदे से बहुत गौर और फिक्र के बाद पहले मरज पकड़ा और जब इदारे शरिया ने बीमारी पकड़ ली तब अपने उलमाए इकराम का कारवां लेकर निकल पड़ा। और हमें फख्र है अपनी जमात के उलमा पर और हमें नाज है अपने अहले सुन्नत की आबादी के गांव के उस सदर सिगरेटी मस्जिदों के मतवल्ली और सिगरेटी पर कि जब ठान लिया अहले सुन्नत के जवानों ने तो डीजे बजाने वालों का बाजा बजा दिया। तवज्जो चाहो, अगर समझ में बात आवे तो बोलेंगे। हसन भाई, डीजे बजाने वालों का बाजा बजा दिया। सुन्नियो, अगर बलियाबी की एक बात मान लो तो 24 आते आते बहुतों का बाजा तुम फाड़ भी सकते हो, बना भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन बलियाबी को यूं ही पारसनाथ के पत्थर के टुकड़े की तरह नहीं सुन सकते हो। हम उस नबी का जिक्र करते हैं जिस नबी के हुस्न की गुफ्तगु सुनकर क्या अच्छी फिक्र है, क्या अच्छी फिक्र है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़े बड़े हसीनों ने अपने चेहरे दागदार कर लिए और बहुत सारे कालों ने मुस्तफा के जिक्र और हुस्न की बातें सुनकर बिलाल के कालेपन को याद करके सब्र कर लिया। हां, यह भी सही है कि हमारे यहां जलसे रोज होते हैं, कॉन्फ्रेंसें रोज होती हैं, 3-3 किलोमीटर का डेकोरेशन और लाइटिंग रोज होती है, मजारात पे हंगामे और चादरों की लंबी भीड़ होती है। देख चढ़ाए जाते हैं लेकिन आई हुई अकीदत की भीड़ को अगर हम कोई नुस्खा न देकर भेज सकें, आए हुए हुजूम को अगर हम कोई नक्शा न देकर भेज सके, अगर हम अपनी मिल्लत के उन जवानों के आंखों में होश का सुरमा लगाकर न भेज सके, अपनी कौम के बुजुर्गों को अगर हम संजीदगी के माहौल में बकिया उम्र गुजारने का कोई नुस्खे कीमिया देकर न भेज सके, तो माफ कीजिएगा, हंगामे की तारीख तो लिखी जाएगी, आपकी नस्लों की तारीख नहीं लिखी जाएगी। इसलिए कि पूरा भारत जानता है कि बहुत शरीफ आदमी का नाम बलियावी नहीं है। और हम जानते हैं कि किस बालू से कहां तेल निकाला जाता है। सरसों से तेल तो सब निकाल लेते, तो अब सुनने का मूड है तो सारा मजमा लहक के कह दो या रसूल अल्लाह, ओए रंग में आके बोल दो या रसूल अल्लाह, झूम के या रसूल अल्लाह,
बलियावी की गुफ्तगु का तीन हिस्सा होगा। तवज्जो चाहूंगा अहले इश्क मौलाना। एक है अकीदत, एक है हकीकत, एक है जरूरत। सुनेंगे स्टेज वाले तो थोड़ा आ जाए रंग में, तवज्जो चाहूं। एक है अकीदत, एक है हकीकत, एक है जरूरत। माफ करना अकीदतें उस वक्त जवान रहेंगी जब जरूरत पूरी रहेगी। अकीदतें उस वक्त सेहतमंद रहेंगी जब जरूरतों की सेहत अच्छी होगी। अकीदत, हकीकत, जरूरत। गौसे आजम की 11वीं मने ये अकीदत है। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, कहने ये मेरी अकीदत है, लेकिन मेरी बेटियां कांधे पर जवानी का बोझ न बने, ये मेरी जरूरत है। मस्जिदों के मीनारे 80 फीट नहीं 100 फीट ऊपर उठे, ये अकीदत है, लेकिन उस मस्जिदों का इमाम रोटियों के टुकड़ों के लिए मोहताज हो, माफ करना। आज कोई ये घर बता दो जिस घर में 5 बेटे 5 मोबाइल, एक बाप के 5 बेटे 5 मोबाइल, 5 बहुएं 5 मोबाइल, एक घर में 10 मोबाइल और एक कम से कम रिचार्ज अगर कराता है तू तो 300। एक घर में 10 मोबाइल, सोच ले पर मंथ तेरा पैसा कहां जा रहा, पर मंथ तेरा पैसा कहां जा रहा। तवज्जो चाहूं, दिल लगावेंगे, दिल लगावे तो मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी गुफ्तगू का असर बाद में समझ में आएगा। पर मंथ ये लाखों लाख नहीं करोड़ों करोड़। ओए तेरे बलियाबी ने आज से 1.5 साल पहले कहा था इस्लाम के वजूद के कत्ल का असल मास्टर माइंड अमेरिका है, असल मास्टर माइंड अमेरिका है। डिजाइनिंग किया इसराइल ने, डिजाइनिंग किया इसराइल ने, कॉन्ट्रैक्ट लिया अमेरिका ने, पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं ये भारत वाले, मेन कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। तवज्जो चाहूं, सुन लीजिए मौलाना, कई 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 साल पढ़ोगे तो ये नहीं मिलेगा। हाँ कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन लो, सुनिए, बोल लो बोल लो बोल लो, अरे रंग में आके बोल लो बोल। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। पेटी कॉन्ट्रैक्टर है भारत में, लेकिन बलियाबी कहता हो इसराइल तेरी टैंकों की गरज, तेरे तोपों की गुर्राहट, तेरे हुक्मरानों की आवारगी, और इसराइल तेरी फौजियों के जुल्म को फलस्तीन के मावों की बेटियों बेटों ने चुटकी में उड़ा दिया, कहने और उड़ाकर ये जमाने को बता दिया कि सरों में अगर शहादत का जज्बा जिंदा है तो नस्लों का वजूद जमीन से खत्म नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर। जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे, क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत 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 तवज्जो कीजिए, झूम के बोलो बोलो बोलो, क्या कहने। तवज्जो चाहता हूँ अगले स्टेज की, तवज्जो चाहता हूँ। अच्छा अच्छा,
अब तू कौन? मत डिस्टर्ब कर बेटा, बोल दो झूम के, बोलो बोलो, अब रंग चढ़ जाए, बोल दो बोल दो, अरे जोर से बोल, तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं। तब बलिया भी ने कहा था मेरे सब्र का इम्तिहान मत लेना। क्या कहने? मेरे सब्र का इम्तिहान ये मेरे लिए नया पेपर नहीं है, ये सब्जेक्ट मुस्तफा के गुलामों के लिए बहुत पुराना है। सब्र उनके लिए नया है जहां सिर्फ जबर हो। हमारे यहां जबर का तसव्वुर नहीं, सिर्फ सब्र है। क्या कहने? मेरे यहां जबर का तसव्वुर नहीं, सिर्फ सब्र है। लेकिन दुनिया ने देख लिया करबला में कि जबर दम तोड़ दिया, सब्र का झंडा आज भी लहरा रहा। कयामत तक नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी बेटियों के हिजाब पर तूने हाथ डाला, हमने सब्र की। मेरी मस्जिदों की ईंटें कत्ल की गई, हमने सब्र की। मेरे बच्चों की रोजी तूने छीन ली, हमने सब्र की। मेरी दुकानों को दीन में जलते दुनिया में देखा, हमने सब्र की। मेरे बेटों की लाशों पे कोबी रोपी गई, हमने सब्र की। दीन में नामूसे रिसालत की अजमत के लिए बच्चे निकले थे, 1147 से मार दिया, हमने सब्र किया, हमने सब्र किया। प्लीज बैठ जाओ, पैसा देने मत आओ। आज तक कोई हुक्मरान बलियाबी की कीमत नहीं लगा सका, तेरे 10 रुपए की क्या बात है? बस बैठ जाओ, वरना बलियाबी अगर थोड़ी सी आंख बंद कर दे तो जिंदगी की आखिरी सांस तक कुर्सी पर ही रहेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि हम उसके लिए नहीं पाले गए हैं, हम तो रईसुल कलम के मिशन और रजा के मसलक के लिए पाले गए। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, अब जहन को थोड़ा करीब कर लीजिए। हमने सब्र किया, आगे भी करेंगे, आगे भी करेंगे। लेकिन याद रखना, सब्र की दीवारें अगर गिरती है ना, सब्र की दीवारें अगर गिरती हैं तो जलजला और सुनामी दोनों एक साथ आता है। हाँ, जेल की सलाखों में मेरे बच्चों को दहशतगर्द आतंकवादी जिहादी कहके डाल दिए, लेकिन मेरी माएं सड़क पर बेटे की रिहाई के लिए नहीं उतरी। हाँ, मुसल्ले पर उनका आंसू जरूर उतरा है, और जब माओं का आंसू उतरा है मुसल्ले पर तो गरम गरम आंसुओं की बूंदों ने उस सिसकती हुई मां को तसल्ली देकर कहा है, घबरा मत, दिन लौटेंगे, परेशान मत हो, दिन लौटेंगे। इसलिए कि पत्थर कभी बबूल के पेड़ पे नहीं मारे जाते। क्या कहने? जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। पत्थर कभी बबूल के पेड़ पे नहीं मारे जाते, और कोई भी फला हुआ आम बचा नहीं है भारत में जिस पर रोज 2-4 हजार पत्थर ना बरसाए जाते हों। इसका मतलब ये नहीं कि आम फल देना बंद कर दे, बल्कि आम की फितरत है, तू मारते जा, मैं खिलाते जाऊंगा। यही तो पोजीशन है भारत के ईमान वालों की कि तुम मेरे साथ जो सलूक करना है करते रह, लेकिन जब लाल किले की अजमत, कुतुब मीनार की शौकत, सरहदों का तहफ्फुज, भारत के संविधान का वकार जब दांव पर चढ़ेगा तो अब्दुल हमीद बनकर टैंक तोड़ने हम ही जाएंगे। तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे रईसुल कलम, काजी-ए मिल्ला। और ये तो इतिहास का पन्ना है। तवज्जो चाहूं, आप लोग डरे तो नहीं है? उनको जरा सा वो लाल बंडी सर उठा ले यार, जवानी में सर झुकाए हुए।
एक जुमला दे रहा हूं वैसा कि अभी देख लीजिएगा, ये जुमला नहीं है, हिंदुस्तान का हिस्सा है तारीख का। अब तक जितनी जंगें हुई है विदेशियों से, कोई बाबा नहीं मारा गया है। हसन साहब, कोई बाबा नहीं मारा गया है, वो चाहे जहां का हो। लेकिन ये भी तारीख है कि भारत की आजादी के लिए खूब गुलाम ख्वाजा मारे गए हैं, ये तारीख है। क्या नजर है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब पूरी दुनिया इस बात पर रिसर्च कर रही है, फलस्तीन में बेबच्चों की मुस्कुराहट छीन लिया, हिम्मत नहीं टूटी। बोसिनिया में मांओं को तड़पा तड़पा के मारा, बेटों के हौसले नर्म नहीं पड़े। बोसिनिया में ईमान वालों को तड़पाया गया, हिम्मतें कमजोर नहीं। भारत में घर मकान मस्जिदों तक मिसमार किया, लेकिन हिम्मतें नहीं टूटी। आखिर पता तो करो कि ये खाते क्या है। पता तो करो ये खाते क्या है। तो भारत के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी, बीपीएल में एक नंबर पे मुसलमान, बेरोजगारों की लिस्ट में एक नंबर पे मुसलमान, दलित से बदतर की सूची में एक नंबर पे मुसलमान, कर्ज लेकर जीने वालों में एक नंबर पे मुसलमान। लेकिन बावजूद उसके इनके दिलों से गुंबदे खजरा की अजमत नहीं जाती, इनकी औलादों के दिलों से करबला की अकीदत नहीं जाती, इनकी बेटियों के आंचलों से सैयदा फातिमा ज़हरा की हुर्मत नहीं जाती। आखिर ये खाते क्या है, ये खाते क्या है, ये खाते क्या है, और कहां का खाते हैं, तवज्जो चाहो, ये खाते क्या है और कहां का खाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो जो खाते हैं जहां का खाते हैं उसका पता मेरे मुफ्ती आजम ने बता दिया। तवज्जो चाहो, खाता हूं तेरे दर का, पीता हूं तेरे दर का, या रसूल अल्लाह, खाता हूँ तेरे दर का, क्या कहने, पीता हूँ तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। आजकल कुछ पागल लोग जन्नत की चाबी लेके थैला में घूम रहे हैं मेरे बच्चों की अकीदत कत्ल करने के लिए, और कुछ हराम खोर लोग उनके एजेंट बन करके खड़े हो रहे हैं मेरे मेंबरों पर। लेकिन अकीदत के इन व्यापारियों पर भी हुल्ला बोलेगा, बलिया भी छोड़ेगा नहीं, माफ करेंगे कुछ नहीं। अगर मेरी नस्लों की सेहत के लिए कोई मोहब्बत में जख्म देना चाहेगा तो उसके जख्म लगाने से पहले उसकी उंगलियां काट लूंगा। इसलिए कि बहुत तमाशे हो गए, कोई लाल पीला धागा लगा लपेट कर लूट रहा, कोई काला पीला गमछा बांध के लूट रहा, कोई ताबीज देकर लूट रहा, कोई दामन और रस्सी थमा के लूट रहा। इन जन्नत के व्यापारियों से बलिया भी कहता, अरे मैं भी तो चाहता था एक जन्नत खरीद लूं, लेकिन बहलोल दाना मिले तब ना खरीदूंगा, बहलोल दाना मिलता नहीं तो जन्नत खरीद। नारे तकबीर, नारे रिसाला। इसलिए इस संजीदा माहौल में बलिया भी का एक दर्द सुन लो। मैं मुबारकबाद दूं अपने इस इलाके के जवानों को, और मैं खैर मकदम करूं समीम कल्ब के साथ अपनी जमात के उलमाए इकराम का। मेरा हर आलिम अड़ गया, रोकेंगे बारात में डीजे,
रोकेंगे पटाखा। लेकिन आज भी दो चार बीमारी बहुत भयंकर है। हाँ ये भी सही है कि इससे पहले हम आए थे, कहाँ आए थे हजरत? चिरोडी। तो ये जितने हैं ना यूट्यूबर लोग क्या हेडिंग लगाया, बलियावी ने कहा हराम खोर। ताकि लोग सुने कि किसको कहा हराम खोर। बलियावी जो बोल देता उसे वापस नहीं होगा। इतने बड़े मजमे से मैं पूछता हूं, बता मावों की दूध की गैरत जिंदा है तो बता, तेरे घर में तेरे आंगन में तेरी बेटी भतीजी बहन है तो बता कि क्या इस जहेज और नकदी को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आवाज धीरे से आ रही है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे नकदी और जहेज तिलक को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितने लोग चाहते हो खत्म करना? उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो। इस मजमे में कोई एक आदमी है जो जिसका बेटा कुंवारा हो? जिसका बेटा कुंवारा हो, एक खड़ा हुआ, दूसरा तू भी खड़ा हो जाता, दो खड़ा हुआ, तीन, इतने बड़े चार, इतने बड़े मजमे में चार ही आदमी का बेटा कुंवारा है? अरे बैठो मत, खड़े रहो, आगे आओ मैदान में, आ जा। अच्छा ये जितने कमेटी वाले हैं इन सबों के बेटों की शादी हो चुकी है? आए तो जरूरत तो उसकी भी है ना, पहले बाप को नाथ दो, बेटा तो खुद फंस जाएगा। असल तो सौदागर बाप है। क्या गजब की लानत है साहब, तारुफ कराएगा तो कहेगा अल्लामा हसन रजा अतहर साहब ये मेरा बेटा है, बेटा मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया है। सूरत जाएंगे मौलाना शरफुद्दीन, मुबारक हुसैन मुबारक को सूरत जाएंगे तो मौलाना शरफुद्दीन कहेंगे मुबारक बाबू ये मेरा बेटा है, बेटा मैंने इसके लिए ये कारखाना लगाया। अरे किस फरेब में हो, इस धरती पर पापी से पापी अगर कोई हो, इस जमीन पर पागल भी अपनी औलाद नहीं बेचता, पागल भी होता है तो कहता है मैं घर बेच दूंगा, औलाद नहीं बेचूंगा। बलिया भी कहता मुसलमान तू क्या खाकर पागल बन गया कि जमीन भी बेच रहा है औलाद भी बेच रहा है। इसी को रोकने की जरूरत है। यार 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 मौलाना हसन साहब उससे बड़ी लानत इस इलाके में है, इस इलाके में उससे बड़ी लानत है। अगर मेरे घर में शादी है, नवेद आपको दिया तो डीजे लेकर आप भी आइएगा, बाजा बजाते आप भी आइएगा, और कपड़ा तो कंपलसरी है, और कपड़ा लेकर आएगा तो ये नहीं कि दिया और चल दे, इंतजार करेगा कि दिया था 30 रुपया वाला 60 रुपया मीटर का दे रहा कि नहीं। अल्लाह के वास्ते रहम करो अपनी बेटियों पर, एहसास करो आने वाला जो कल का सूरज है ना,
वो कल का सूरज जुल्म की धूप लेकर आएगा, और अगर तेरी औलादों के हाथ में इल्म की छतरी ना होगी, तहफ्फुज का तिरपाल ना होगा, तो तेरे बेटों की सूरत 20 साल के बाद पहचानी नहीं जाएगी। बहुत करीब से बलिया भी देख रहा है कि मेरी औलादों को आवारा बनाने के लिए कितना बड़ा सेटअप तैयार हुआ। मोबाइल उसका हिस्सा है, 2G स्पेक्ट्रम उसका पार्ट है। ये नाच गाना बाजा और मदारिस को बदनाम करने की साजिश उनका एक हिस्सा है। लेकिन बलिया भी कल भी कहा था, आखिरी सांस तक बोलूंगा, ये इस्लाम है इस्लाम। इस्लाम का कोई काम हुकूमत के खजानों से नहीं चलता। अरे वो किसी और का मजहब है जो दिया सरकार के पैसे से जलाता हो। हम मुस्तफा के गुलाम हैं। 12 रबीउल अव्वल में चरागा अपने खूने जिगर की कमाई से करते हैं। नारा